जय श्री कृष्णा, जय बाल गोपाल। वीडियो में जानेंगे 2024 भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद हमें छठी कब करवानी है, इसका क्या नियम है और कैसे इसे कराना है। जन्माष्टमी के बाद अपने घर पर कैसे आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, इस वीडियो में यही पूर्ण जानकारी है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि जिन भक्तों ने जन्माष्टमी पर अपने लाला को घर पर विराजमान नए स्वरूप में किया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों को ऐसा मौका नहीं देते कि वह अपनी सेवा करवा पाए। आप सौभाग्यशाली हैं, आप अगर कान्हा की सेवा अर्चना कर रहे हैं तो। ऐसे में अगर घर पर कान्हा आए हैं तो अलग ही एक रंगत होगी, पहले से विराजमान है तो कहना ही क्या। आप सभी को आवश्यक रूप से, अगर कान्हा का आपके यहाँ ऐसा चलन है तो आपको छठी जरूर से करानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में नहीं कराई जाती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी अपनी मान्यता है। सभी अपने कान्हा को जिस तरह से भी पूजा अर्चना सेवा दे रहे हैं अति उत्तम है। बस भाव सच्चे होने चाहिए, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमेशा जब भी कान्हा का जन्म होता है उसके छठे दिन छठी कराई जाती है। कहा जाता है इस दिन हमें कड़ी चावल जरूर से बनानी चाहिए और पुआ पूड़ी माखन मिश्री, वह आपकी इच्छा है आप कौन सी चीज भोग लगानी चाहिए, परंतु इस दिन आपको कड़ी चावल जरूर से बनानी चाहिए। यह बहुत शुभ माने जाते हैं, इस दिन उन्हें भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन कान्हा को काजल लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। हमेशा दोपहरी के बाद जो आपके घर पर कान्हा है उनकी छठी मनानी चाहिए। सुंदर सोहर गीत आप गा सकते हैं, जैसे कि लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, या जो भी सोहर गीत है, जैसे हमारे जो क्षेत्र में कहे जाते हैं जो जच्चा बच्चा के गीत होते हैं, वह गाते हुए सुंदर भाव से, जैसे बच्चे की छठी होती है उस विधान से पूजा करनी चाहिए। कान्हा को सुंदर स्वरूप में इस दिन आप बांसुरी इत्यादि खेल खिलौने नए कपड़े इत्यादि गिफ्ट स्वरूप में दे सकते हैं और आवश्यक रूप से कुछ विशेष व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। किसी से आप प्रथम दिन नहीं लगवा पाए हैं जन्माष्टमी के दिन, तो इस दिन छप्पन भोग इत्यादि आप कान्हा को भोग स्वरूप लगा सकते हैं। जिस तरह से बच्चे की छठी कराई जाती है सुंदर स्वरूप में, घर में एक चहल पहल होती है, बहन बेटियां आती है, पुरोहित जन को बुलाकर भी आप यह कार्य कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब जानते हैं कब करानी है छठी का यह जो है प्रोग्राम। सबसे पहले जिन भक्तों ने 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, अर्धरात्रि में जन्म करवाया है, तो वह जो है 31 अगस्त के दिन छठी कराएंगे। अगर जिन भक्तों ने 27 तारीख को कान्हा का जन्म उत्सव कराया है तो वह जो है 1 सितंबर को छठी कराएंगे। हालांकि दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, दोनों ही दिन में छठी का ही संयोग बन रहा है और छठवां ही दिन आ रहा है, तो आप सभी चाहे तो 31 जो है अगस्त को कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी 1 सितंबर को भी कान्हा की छठी मना सकते हैं। दोनों दिनों में अपनी सुविधा अनुसार कान्हा की छठी कीजिएगा। अब इस दिन एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए, जो आपके घर की सभी चाबियां हैं गुच्छा है वह कान्हा को आपको सौंप देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से कान्हा परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं, उस घर में कभी दरिद्रता और कभी भी किसी भी स्वरूप में चोरी चकारी नहीं होती है, समृद्धि होती है, क्योंकि कान्हा जी जन्म ले चुके हैं नए स्वरूप में आपके घर में और वह जो है अब आपके घर के कर्ता धर्ता रक्षक हैं। और किसी भी स्वरूप में आपको प्रार्थना करनी है कि हे कान्हा, घर में प्रकट हुए हैं, अब घर का समस्त कार्यभार आपके हाथ में है, इस घर का समस्त संचालन अब आप करेंगे। आप देखेंगे कि सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, नई अवस्था में आपने कान्हा जी घर पर रखे हैं तो अद्भुत इसका परिणाम है। अब नियमित रूप से कान्हा जी की सेवा अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई बंधन नहीं है, ऐसा ना सोचे कि बहुत अधिक मैं लेते आई हूँ, कैसे करूँगी, कैसी दिनचर्या रखूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ से कान्हा जी स्वयं कराएंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सुबह उठते हैं उस अनुसार उठें, कान्हा को स्नान ध्यान कराएं और जो है उनके वस्त्र पहने, भोग जो भी आपके घर पर लगता है सात्विक स्वरूप में उन्हें भोग लगाएं, चाय पानी जब पीते हैं प्रथम में उनके समक्ष रख दीजिए और बस यही सरल प्रक्रिया है। शाम के समय आप उन्हें जो है विशेष तौर पर दीप इत्यादि लगाएं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करें। उनकी पिता स्वरूप सेवा कर रहे हैं, उन्हें पुत्र स्वरूप, उनको सखा स्वरूप आप मान रहे हैं, तो उसी स्वरूप में आपको सुंदर इसके परिणाम मिलेंगे और दिनचर्या आपकी वैसी ही बन जाएगी। तो बोझ ना समझे, बड़े साधारण सरल तरीके से यह प्रक्रिया की जाती है। साधारण जैसे आप यह मन में भाव करें कि मेरे घर पर संतान हुई है, बच्चा हुआ है, कान्हा जी प्रकट हुए हैं, बस मुझे ठीक अपने बच्चे जैसे इनका ध्यान रखना है, बस फिर कहीं भी आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी, कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। आप मुझसे पर्सनल, मेरी टीम से कोई ज्योतिष राय लेना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप देखिएगा। जय माता।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।